लड़के और लड़कियों में भेदभाव करने वालों को तमाचा मारने वाली एक घटना गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज तहसील के चिखली गांव में घटी है। बिना बेटे वाले पिता को बेटियों ने ही कंधा दिया और फिर मिट्टी भी दी। आज भी देश की कुछ ग्रामीण क्षेत्र में बेटियों को दुय्यम दर्जे का माना जाता है, क्योंकि बेटियों को किसी और की संपत्ति माना जाता है। लेकिन देसाईगंज तालुका के चिखली रीठ के बाबूराव मड़ावी की मृत्यु के बाद उनकी चार बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार करने के लिए सामने आई। उन्होंने गमगीन माहौल में शव को कंधा देकर अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के दौरान लड़कियों ने अपनी माँ की देखभाल करने की शपथ भी ली। उस वक्त कई लोगों की आंखों में आंसू थे। आज भी भारत में पुत्र द्वारा जन्मदाता पिता के शव को कंधा देने की प्रथा है, लेकिन इस प्रथा को तोड़ने वाली एक घटना देसाईगंज तालुका के चिखली गांव में घटी। मृत व्यक्ति का नाम बाबूराव मड़ावी है और उसकी उम्र 80 साल थी। अंतिम संस्कार का दृश्य देख लोगों की आंखें भी छलक उठी। इसकी जानकारी श्री गुरुदेव जंगल श्रमिक सहकारी समिति के अध्यक्ष दिलीप घोड़ाम को होते ही दिलीप घोड़ाम ने मृतक की पत्नी को सहायता राशि देकर सामाजिक मानवता तथा सामाजिक कार्य का धर्म निभाया। Londhi Jewelers in Gokulpet, Nagpur is a recognized name in the city since 1992. They have been making the finest pieces of jewelry for over generations.